आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक ऐसा खूंखार और डरावना जानवर जिसकी दहशत के सामने पूरा इलाका सन्नाटे में पसर जाता था। इस जानवर ने अपने खौफ को इस तरह फैला रखा था मानो यहाँ वो राज करता हो। जब भी ये शिकारी अपने शिकार पर निकलता तो इसके कदमों की आहट से छोटे मोटे जानवरों के अंदर अफरा तफरी का माहौल सा मच जाता। आखिर कौन सा था ये जानवर और इस गांव के साथ साथ पूरे इलाके को शमशान घाट में तब्दील करने में इस जानवर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की थी जिसकी वजह से सिर्फ डर के नाम से मशहूर है। रामूखेड़ा नामक एक गांव जो सालों से एकदम शांत और दैनिक का प्रतीक रहा था, लेकिन कहते हैं ना किसी भी अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। कुछ ना कुछ तो होने वाला था। सन्नाटा इस कदर बिखरा हुआ था मानो आज कयामत की एक ऐसी आंधी उत्पन्न होने वाली है जिसकी बुराई से गांव का हर एक जानवर या इंसान कपकपाने वाला था। ये कहानी एक गांव की है। 17 साल पहले हुई इस कहानी का जिक्र जब आज भी छेड़ा जाता है तो यहाँ के लोगों का मानना है कि उनकी रूह कांप उठती है। कहते हैं कि आज इस गाँव का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जैसे जैसे मौतों का सागर इस गाँव में बढ़ता गया वैसे वैसे गांव सुनसान बनता गया। एक रात की बात है जब इस जानवर के इस गांव में दाखिल होने की शुरुआत हुई थी। अमावस की एक रात गांव वालों ने एक बड़ी गलती को अंजाम दिया और वो ये थी कि सभी लोग किसी आयोजित समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां माना जाता है कि अमावस की रात को हमें किसी भी खुशहाली समारोह में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी रात होती है जो काली शक्तियों को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। मगर सब इन बातों से अनजान गांव के ढेर सारे लोग एक समारोह में मौजूद थे। रात का समय तो था ही, ऊपर से आज ऐसा लग रहा था मानो बारिश भी होने वाली है। आसमान में रंगोली की तरह एक रंग नजर आ रहा था जिसकी खासियत ये थी कि यहाँ पर आंधी का एक कहर आने वाला है। सब लोग इस बात को अच्छे से जानते थे कि बहुत ही जल्द यहाँ एक तूफान का आगमन होने वाला है। समारोह में लगाई गई चादर को उतारने के बाद सभी लोग इधर उधर घूम ही रहे थे कि उन्हें किसी के रोने और चिल्लाने की बड़ी ही तेज तेज आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इतनी जोर जोर से सुनाई दे रही थी कि अवश्य ही किसी के साथ अनहोनी हुई है। उस सन्नाटे के बीच सुनाई देने वाली इन आवाजों ने सारे लोगों को एकदम से हिलासा दिया। उस समारोह में मौजूद कुछ लोग भागते हुए समारोह से थोड़ी दूर आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी फांसी खाकर एक पेड़ पर लटका हुआ था। उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, मगर ताजुब की बात तो ये थी कि अगर उसने फांसी लगाई थी तो उसके बदन के ऊपर ये नाखून के निशान कैसे बन सकते थे, साथ ही उसकी गर्दन छुलवी कैसे हो सकती है। पूरे गांव की खुशियां एक पल में छूमंतर हो गई। सभी लोगों के अंदर सन्नाटे के साथ साथ एक डर सा बिखर गया। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ कुछ ही पल में समय ने कैसा बदलाव किया है। सभी के चेहरे एकदम हताश हो चुके थे और विश्वास की वो घड़ी कुछ ही पलों के खातिर अब टूट चुके थे, क्योंकि जिस भगवान के लिए ये समारोह बनाया गया था आज उसी के एक भक्त ने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल सुरेश नाम का ये आदमी इन लोक देवता का काफी बड़ा भक्त हुआ करता था, लेकिन आज उन्होंने आत्महत्या कर कुछ तो गलत साबित किया था और अभी भी गाँव के लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस शख्स ने आत्महत्या की है वो सुरेश ही है, क्योंकि गांव का इकलौता सुरेश एक ऐसा इंसान था जो अपने दिल के साथ साथ अपनी बातों का भी काफ़ी सच्चा था। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि सुरेश ऐसा कर सकता है, लेकिन अब घटना तो घट चुकी थी। सुरेश की लाश को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया गया, लेकिन अब गांव वालों के मन में एक बात बार बार चक्कर काट रही थी, वो ये थी कि उसके शरीर पर नाखून के निशान कैसे बने। सुरेश की लाश को अस्पताल में पहुंचाने के बजाय शमशान घाट में पहुंचाया गया और बिना डॉक्टर व पुलिस की सहायता के उसे दफना दिया गया। तकरीबन 10 दिन बीत गए तब जाकर गांव की स्थिति में एक बार फिर सुधार देखने को मिला, लेकिन ये सुधार भी बस कुछ ही दिनों का था क्योंकि खौफनाक सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। एक बार फिर एक शाम कयामत का एक ऐसा तूफान खड़ा करने में कायम हुई जिसके बारे में सोचना भी इंसान को मौत के बराबर लगता है। एक रात की बात है जब 3 दोस्त गांव के कुएं के पास बैठकर शराब पी रहे थे, तभी उन्हें अपने पीछे यानी कि उस कुएं के अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन तीनों को लगा कि
शायद इस कुएं में कोई गिर गया है। उनमें से एक दोस्त जल्दी से उस कुएं के पास पहुंचने लगा कि तभी उसे काले काले रूप में एक चीज दिखाई दी, जिसका रूप ठीक से तो दिखाई नहीं दिया लेकिन उसके नाखून बहुत लंबे लंबे थे। दीपक उसी गांव का एक निवासी था जो खाना खाने के बाद अपने घर से बाहर निकला था, क्योंकि दीपक को खाना खाने के बाद बाहर घूमने की आदत थी, जिस कारण वो पास ही में मौजूद अपने दोस्त के घर की तरफ चल दिया। अभी वो अपने दोस्त के घर की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक ही उसे उसी कुएं के करीब से उन तीनों दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दीपक बिना कुछ सोचे समझे चारों तरफ आवाज देने लगा और किसी को मदद के लिए बुलाने लगा। 17 वर्ष से दीपक हिम्मत दिखाते हुए उस कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उन तीनों की हालत बड़ी ही दर्दनाक थी। दरअसल वहां एक काले काले रंग का बड़ा सा जानवर बैठा हुआ था, जिसने उन तीनों की छाती फाड़कर उनके अंदर से उनके दिल बाहर निकाल लिए। अब दीपक पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था और वो तुरंत ही अपनी हिम्मत जुटाकर अपने कदमों को पीछे हटाते हुए किसी तरह वहां से भाग निकला और वो अपने घर पहुंच गया। दीपक की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी कि वो कुछ बोल पाने के लायक भी नहीं था। उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल पाई। नजारा बड़ा ही डरावना और खौफनाक लग रहा था, लेकिन बाद में उसने किसी तरह अपने घर वालों को पूरी बात बताई कि उसने किस तरह एक ऐसे खौफनाक मंजर का अभी अभी सामना किया है, जो बड़े बड़े इंसान को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी होता है। अब दीपक की बातें सुनकर उसके घर वाले और गांव के कुछ समझदार लोग तेज गति से उस कुएं के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि उन तीनों दोस्तों की बॉडी वहीं कुएं के करीब पड़ी हुई थी और चारों तरफ खूनी खून फैला हुआ था। मांस के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ वहां पंजों के बड़े बड़े निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो ये बड़ी भयानक करतूत किसी जानवर द्वारा की गई है। गांव में चारों तरफ ये खबर बहुत तेज गति से वायरल होने लगी कि रामूखेड़ा गांव में एक राक्षस का साय मंडराने लगा है। एक ऐसा राक्षस जो इंसानों का दिल निकाल लेता है। और इतनी भयानक खबर फैलने के बाद गांव में चारों तरफ आतंक सा मच जाना एक लाजमी सी बात है। रात होते ही गांव के सारे लोग डर के मारे अपने अपने घरों में कैद हो जाते। खुशहाल जिंदगी जीने वाला ये छोटा सा गांव सिर्फ कुछ ही पलों में डर और दहशत के कुछ ऐसे नजरियों में बदल गया जो वाकई हर किसी को हैरान कर देता। सिर्फ गांव वालों ने एक गलती कर दी थी जिसका इतना भयानक अंजाम होने वाला था। ये किसने सोचा था? भूल तो सबसे ही होती है, लेकिन इस भूल ने तो रामूखेड़ा गांव के ऊपर कमाली करके रखा था, या फिर ऐसा कहें कि भय का शोर मचा के रखा था। गांव में ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो इस राक्षस के खिलाफ आवाज उठा सके, या फिर ऐसा कहें कि इस पर विश्वास ना करे। गांव के सभी लोगों को ये लगने लगा था कि यहाँ कुछ तो ऐसा मौजूद है जिसकी दहशत के सामने पूरा का पूरा गांव घुटने टेक चुका है। लेकिन कुछ लोग इसका इलाज भी करवाना चाहते थे, तो उन सभी लोगों को ये मालूम नहीं था कि आखिर ये शक्ति कौन सी है और इसके पीछे का इलाज क्या है। उन्हें बस इस चीज़ के इलाज से ही मतलब था। और इसी कड़ी को लेकर गांव के कुछ समझदार लोग वहीं पास में रहने वाले एक तांत्रिक के पास पहुंचे तो उस तांत्रिक के मुंह से निकलने वाली बातों ने गांव के सभी लोगों को हैरान की सीमाओं में डाल दिया। उस तांत्रिक महाशय का कहना था कि आपका गांव बहुत ही जल्दी एक कब्रिस्तान के रूप में तब्दील होने वाला है। बस इतना कहने के बाद उसने आगे बताना ठीक नहीं समझा। गांव के सभी लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन बन चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस तांत्रिक बाबा ने उन्हें किस चीज के बारे में बताया और वो क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि जब आंधी अपना बड़ा रूप बनाती है तो आसपास की चीजें बहुत ही जल्दी बिखरने लगती हैं। कयामत का ये दौर अभी तो शुरू ही हुआ था। धीरे धीरे इन तीनों लड़कों की मौत के बाद पूरा का पूरा गांव दहशत के रूप में जीने लगा। लेकिन दूसरी तरफ पास में मौजूद गांव वाले लोग अभी भी उसी खुशहाल जिंदगी के साथ थे। लेकिन काली शक्तियों की चर्चाएं भी बड़ी मशहूर होती हैं। दूसरे दिन ये खबर मिलती है कि पास में पड़ने वाले गांव के अंदर एक स्त्री की लाश मिली है। और भय की बात तो ये थी कि उस लाश का आधा शरीर तो कहीं पर मिला ही नहीं और उसके आधे शरीर के ऊपर घाव बने हुए थे, जो सच में बड़ा ही डरावना पल था। और कहीं ना कहीं ये बातें वहीं पास में रहने वाले अन्य गांव को भी डर और खौफ के नजरियों में डाल रही थी। सभी लोगों को यही लगने लगा था कि अब सच में ये इलाका पूरी तरीके से हॉन्टेड बन चुका है, यहाँ रहना भी अब उचित नहीं है। कुछ लोगों ने तो दूसरे ही दिन उस इलाके को छोड़ना शुरू कर दिया
और वो शहर में बसने चले गए। और कुछ लोगों का दिमाग अभी भी किसी खूंखार जानवर को लेकर बना हुआ था, या फिर ऐसा कहें कि उन्हें अभी भी ऐसा ही फील हो रहा था मानो यहाँ कोई शेर जैसा भयानक जानवर है, कोई ऐसा जानवर जो दिखने के साथ साथ अपनी करतूत में बड़ा ही डरावना होगा। उस महिला की मौत के बाद चारों ओर बस एक ही नाम गूंज रहा था, भेड़िया मानव। लेकिन क्या अभी भी इस दुनिया में किसी भेड़िया मानव का अस्तित्व था या फिर नहीं? कुछ लोग इन बातों को गलत साबित करने पर पूरी तरह से तुले हुए थे, तो कुछ लोग तो इन्हें अभी भी सही मान रहे थे। जैसे ही रात का समय होता तो रामूखेड़ा गांव सन्नाटे के माहौल में इस तरह डूब जाता मानो इस गांव में कोई रहता ही ना हो। गांव के कुछ लोग तो अपने घरों के सामने यहां पर कोई नहीं है इस नाम का पोस्टर लगाकर चुपचाप डर और भय में अपनी जिंदगी व्यतीत करते। लेकिन एक दिन जब सभी लोगों ने अपनी आंखों से उस भयानक राक्षस को देखा तो उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल एक बार फिर अंधेरी रात के वक्त जब सभी लोगों ने किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनी तो इस बार सभी लोग अपने घर और खिड़कियों से देखते हैं कि उन्हें अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक काला काला और घना आकार का जानवर खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में कुछ इंसानी हड्डियां दिखाई पड़ रहे थे। और वहां पर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसने लाल लाल कपड़े पहन रखे थे। लोगों को ये बात अब अच्छी तरह से मालूम पड़ चुकी थी कि एक और मौत अब इस गांव का नजरिया बदलने वाली है। सालों से इस गांव में रहने वाले लोगों का अब बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा सकें। लेकिन प्रकृति कुछ ऐसे बदलाव को अपने अंदर अक्सर बदलती रहती है और ना चाहते हुए भी वहाँ के लोगों को पूरा गाँव खाली करना पड़ा। उस दिन के बाद वो गाँव धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन असलियत का पर्दा अभी भी खुला नहीं था। कोई भी जान नहीं पाया था कि आखिर इस गांव की असलियत क्या है। क्या सच में कोई ऐसा जानवर है जिसने इस गांव के अंदर तबाही मचा रखी है, या फिर कोई ऐसा शैतान जिसका प्रकोप इस गांव के लिए बदनाम साबित हुआ हो। गांव की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और तकरीबन कुछ दिनों के बाद ही वो पूरा गाँव खालिस्तान के रूप में तब्दील हो गया। मगर ये घटना सिर्फ इस गाँव तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ही वहीं पास मौजूद गांव के अंदर भी इस तरह के डरावने हादसे जन्म लेने लगे। तकरीबन 10 किलोमीटर में फैला हुआ पूरा एरिया एकदम डरावने सीन में बदल गया और वहां के लोगों का मानना था कि सच में यहां पर एक ऐसा शैतान निवास करता है जो इंसान को मारने के बाद उसका दिल निकाल लेता है और फिर वो उसे चबाने लगता है। वो शैतान दो चीज़ों का भूखा है, एक इंसान की मौत का और दूसरा उसके दिल का। मगर आज तक कोई भी शख्स उस जानवर के रहस्य को जान नहीं पाया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ही पता चला कि वो एक ऐसी बला है जो पहाड़ों में दूर रहती है, और अमावस्या के दिन वो शैतान इस गांव की तरफ आकर्षित हुआ था। कोई भी इस बात को जान नहीं पाया कि उस डरावनी गुफा का द्वार कहां पर मौजूद है। दोस्तों, आज इस घटना को बीते करीब 15 साल बीते होंगे और आज तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये पूरा का पूरा इलाका अब किसी शमशान घाट में तब्दील हो चुका है। और आपको क्या लगता है, क्या सच में वो कोई भेड़िया मानव था या फिर ऐसा कोई खोखार जानवर जिसने अपनी दहशत से सब कुछ बर्बाद कर दिया था? तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।